नोटबंदी के बाद पुराने नोट बदलवाने के सभी डेडलाइन खत्म हो जाने के बावजूद उत्तर प्रदेश में पुराने नोटों को लेकर नया खुलासा हुआ है। कानपुर से एनआईए, उत्तर प्रदेश पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने मंगलवार को कई जगहों पर छापेमारी कर करीब 100 करोड़ रुपए के पुराने नोट को बरामद किया है, जिसे घर में तह कर बिस्तर बनाकर रखा गया था। नोटबंदी के बाद ये पुराने नोटों की अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई है। बताया जा रहा है कि छापेमारी में एनआईए और यूपी पुलिस ने नोटों के 3 बिस्तर बरामद किए हैं, जिसका इस्तेमाल सोने के लिए किया जाता था। पुराने नोटों का बिड जांच अधिकारियों के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। कानपुर एसएसपी अखिलेश कुमार मीणा की माने तो आरोपी व्यापारी ने दूसरे व्यापारियों से नोट बदलने के लिए नकदी जमा करके रखी थी। आईजी क्राइम ब्रांच की सूचना पर एसपी पश्चिमी और पूर्वी की टीम ने स्वरूप नगर, गुमटी, जनरलगंज और 80 फीट रोड स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। नोटों के साथ पुलिस ने 16 लोगों को हिरासत में भी लिया। अब नोटबंदी के 14 महीने बाद पुराने नोटों को कहां खपाया जाना था, इस बारे में पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाई के बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आयकर विभाग के अधिकारियों को भी जानकारी दे दी गई। पुराने नोटों के आतंकी कनेक्शन से इनकार करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार लोगों के बारे में जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक पहले मोहित और संतोष नाम के 2 लोगों को पकड़ा गया। पूछताछ के आधार पर बिल्डर और कपड़ा कारोबारी आनंद खत्री के अलावा प्रोफेसर संतोष समेत 16 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें 2 हैदराबाद के बताए जा रहे हैं। आनंद खत्री के यहां से सबसे अधिक पुराने नोट बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी आनंद खत्री काफी अमीर परिवार से संबंध रखता है और नोटबंदी के बाद से ही 20-25% के कमीशन पर लोगों का पुराना पैसा बदलने का दावा करता था। हालांकि उसको ये राशि जहां से बदलवानी थी वहां काम नहीं हो सका और सारा पैसा घर में इकट्ठा होता गया। इस मामले में एक और खुलासे की जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक गिरफ्तार किए गए एक आरोपी का रिश्तेदार रिजर्व बैंक में नौकरी करता है। ऐसे में पुलिस किसी आरबीआई अधिकारी के नोट बदलवाने के काम में शामिल होने की जांच भी कर रही है। वैसे अब पुरानी करेंसी रखने पर जेल जाने के साथ आरोपियों को बरामद रकम का 5 गुना टैक्स देना होगा और ऐसा नहीं करने पर टैक्स की रिकवरी उनकी चल अचल संपत्ति से की जाएगी। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।